मदद की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपकी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्ज़ाम दिया मुझे नौकरी मिलेगी, और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्ज़ाम निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोज़गार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, इसका रिजल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में 1.5 साल का गैप है, बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं।